लड़का हो या लड़की, 4 घंटे में वशीकरण, पैर पर नाम लिखकर करें किसी को भी अपने वश में। तेरी मम्मी मेरी हो जाए। ओह YouTube फैमिली, ओह माय गॉड, सॉरी सॉरी सॉरी, ओह माय गॉड YouTube फैमिली। अब देखो लड़को, टॉपिक तो मेरे पास एक और था वीडियो बनाने का, बट जब व्यूज फ्री के बट रहे हैं तो मैं क्यों करूं मेहनत, हैं? क्यों करूं मेहनत में? क्योंकि देखो वैसे ही मुझे लैपटॉप लेना है, ओके, तो पैसे इकट्ठे करने हैं, तो आई नो $20 तो बनेंगे इस वीडियो से, तो हियर वी गो। और अब एड सारी देखनी है तुमने, ठीक है, सारी एड देखनी है, स्किप नहीं करनी कोई। हाँ तो लेट्स स्टार्ट। तो हाय गाइस, दिस इज योर बॉय व्यूज हंग्री सूर्या हियर, और आज हम How many times I have to say it? We're gonna roast TikTok. This is TikTok, the band. I mean, we're gonna roast MX, Takatak, Fame House, Big Boss, TikTok roast. और कौन-कौन से keywords हैं, रुकियो। फैजू roast, Joker, भाई, सारे roast एक साथ, सारे keywords हैं इसमें मैंने लिखे हुए हैं। ऊपर से करना भी जल्दी पड़ेगा, भाई, जो सारे लड़कों ने videos बना दी हैं। TikToker, भाई। भाई एक तो थगेश, भाई प्रॉप्स टू थगेश। थगेश जैसे टिकटॉक का नाम सुनता है थगेश के दिमाग में आता है नेटफ्लिक्स की सीरीज। पिछले सीजन में 8 एपिसोड आए थे, इस सीजन में अभी तक 2 एपिसोड आए, लेट्स सी आगे कितने एपिसोड आते हैं। थगेश भाई बैच फुल मिल्क आउट माय बॉय, ये भी टैलेंट है वीडियोस बनाना बैक टू बैक। व्हाट डू यू मीन बाय 5 एपिसोड्स ओनली भाई थगेश? ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, ओह माय, जोक्स हैं ठीक है थगेश, सॉरी। बट तगेश 5 एपिसोड से ज्यादा निकाल सकता, I'm sorry, हाँ। बाकी कंटेस्टेंट देख लेते हैं कौन कौन है भाई, कौन लोग हैं। ओके आई नो दिस गाय रिजवान खान। वैसे एक चीज देखने वाली है, सबने अपने रियल नाम लिखवाए हैं वहां जाके, है जस्ट हमारे लकी डांसर ने वो भी नहीं सोचा कि भाई रियल नाम क्यों लिखवाऊं, हैं? इतना कौन सा अच्छा डांसर भाई, इसका रुकियो 2 मिनट। 3.9, ठीक है भाई, ओके भूल जाता हूँ, टिकटॉक के टाइप पे हो गया था सबके। डू यू वांट टू गेट लकी टुनाइट? Like, I'm not sure about that, bro. मत देख, अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए, ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। ओह आई एम सॉरी, मैं टैलेंट पहचानना भूल गया, लकी डांसर जी अपने मुंह से डांस करते। ओह बट नाउ लेट्स गो बैक टू द सीरीज। अब मुझे ये नहीं पता कि अगर मैंने एपिसोड्स दिखाए तो कॉपीराइट स्ट्राइक लगेगी कि नहीं, मेरा रिकॉर्ड वैसे ही बहुत खराब है। पहले हम ट्रेलर रेस होती है भाई, ये तो बहुत तेज चल रहा है भाई। हेलो, नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे 10 मिनट पूरे करने हैं? 0.5 हो गए, आराम से देखेंगे एक एक फ्रेम। ओह शुरू में एस फ्रेम, हाँ एस से ग्लैमर आता है, एस पीछे से दिखाने से ग्लैमर आता है। ये रीजन है कि मेरी वीडियोस के पहले गंदी बात की एड चलती है। अच्छा मैंने देखा मेरी वीडियो में कोई एड नहीं चलती, जब भी मैं चलाऊं गंदी बात की एड चलेगी, साउंड इफेक्ट्स। मैं सच बोल रहा हूँ, गंदी बात की एड अगर मैं अपने वीडियो में डाल दी मेरी वीडियो डिमोनेटाइज, बट वो एज एन एड मेरी वीडियो में चली जाती है भाई यार। ठीक है वैसे पैसे मिलते हैं, थैंक यू, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट थोड़ी अदर एड्स भी दिखाओ यार, मतलब थोड़ी थोड़ी ऐसे, मतलब पबजी मोबाइल इज कमिंग बैक, ऐसी एड्स भी दिखाओ थोड़ी भाई। रुको भाई, बहुत ज्यादा स्लोग है, रुको ठीक है। कुत्तों की रेस होती है तो जिसमें ना एक शेर होता है, तो तू कुत्तों की रेस में खड़े क्यों हुआ? 2 थर्ड इफेक्ट अभी तक बच चुके हैं भाई, ये क्या हर जगह थर्ड साउंड इफेक्ट चलाया हुआ है, लिटरली मेरी उधर टट्टी निकल गई थी जब डायपर पहनने को बोला था, तो तूने ऐसी टट्टी क्यों कर दी? कहीं भी भैंस जो थर्ड साउंड इफेक्ट, बहुत सस्पेंस चल रहा है इसके अंदर गाइस, तुम्हें पता नहीं है ये ठीक है, इज्जत देगा इज्जत मिलेगी, ओके। आई मीन फिर कब आ रहा है रिजवान भैया यूट्यूबर रोस्ट, कब आ रहा है फिर? इधर तो कोई सर नहीं करता भाई। ओ स्मोक, पीछे फायर, वो फैंचो ओवरले चलाया हुआ है, ओ माय गॉड, पहले भी चला। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि भाई 14 सेकंड में इतना क्रिटिसाइज कर दिया इसने। देखो गाइस मेरे पास ज्यादा प्ले रूम नहीं है, ठीक है, मेरे पास बहुत कम प्ले रूम है, मुझे इसमें खामियां ढूंढनी पड़ेगी। तो मैं देख रहा था एडिटिंग भी देखनी पड़ती है हमें, ठीक है, एडिटिंग में भी खामियां निकाल सकते हैं। वेलकम टू MX तकातक फेम हाउस, जहां पे है हाई फन एंड बहुत सारा फेम। लड़के के पूरे मुंह का तेल निकल गया, तुम्हें भैंस शॉर्ट की पड़ी है, अबे मेकअप आर्टिस्ट से तेल तो क्लियर करवा देते, भैंस पकौड़े तलने थोड़ी ना लेके जाना उसे, व्हाट द फक इज द भैंस। ठीक है भाई तलो पकौड़े अपने, तलो भाई, क्या बजट है वैसे शो का? आप सभी लोगों को मिलेगा 30 सेकंड, तो अब होता है खेल शुरू। अच्छा 30 सेकंड का खेल है, फिर तो ट्रेलर ज्यादा बड़ा बना दिया, मतलब शुरू। मैरी हो
हुकअप ओनली हुकअप मैरी कौन करता है आजकल हुकअप ओनली हुकअप्स दिल्ली बॉय ओनली हुकअप्स लोग बहुत छुपे रुस्तम है कोई बोल नहीं रहा लेकिन सबको पता है कि ग्रुपिज्म चल रहा है पांच दिन रहे हो तुम इकट्ठे और ग्रुपिज्म ठीक है भाई पांच दिन में इतनी लड़ाइयां कर ली इन्होंने मैं सच बोल रहा हूँ दो दिन और रह जाते कोई ना कोई गंजी तो हो जाता है वहां से चल रहा है जो जैसा ट्रीट करेगा उसको वैसे ही मिलेगा एग्रेशन तो एग्रेशन ले लो सर पूरा ले लो हम लोग क्या कर रहे हैं क्या ले लो पूरा ले लो वो क्या ये क्या ऑटो कॉन्टैक्ट चली जा रहा है ले लो पूरा ले लो This is a reality show. They bought you to shoot stuff, and you're telling it to cap, bhai. Tariq, according to you, is not so hot today. कुत्तों की रेस होती है, तो जिसमें ना एक शेर होता है. अच्छा, oh my god, उस लड़का का रिस्पांस इस पे था कि वो हॉट नहीं लग रहा आज. तुम देख रहे हो लड़के की ईगो कितनी हर्ट कर दी किसी लड़के को तुमने जाके बोल दिया नॉट लुकिंग सो हॉट है और उस पे लड़के का सीधा भैंच भैंच मुहावरा निकल गया कुत्तों की रेस होती है रेस में I mean, कुत्ता और शेर उनमें हॉटनेस कैसे कंपेयर होगी भाई मेरे ब्रेन सेल्स बहन चुद वापस दो कोई भाई तूने बोला इतने बड़े बड़े आजा बीच में भाई ये कैसे गिर गया भाई रुकियो 0.25 बचला के देखूंगा मैं अबे पैच कैप को थोड़ा सा टच हुआ और हाथ पकड़ भाई हाथों से कौन गिरता है भाई यार बहन एक्टिंग तो फुल पावर हो रही है यहां पे भाई ट्रेलर में तो कुछ था नहीं तो मैं एपिसोड्स तो देखने पड़ेंगे एटलीस्ट एक तो देखते हैं यार क्या हो गया रिस्पांस सब ठीक उसने गलत बात की किसने किसने मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा था कि तुम लोग अच्छा खेले तो मेरे को बोलती है रिस्पांस तूने देखा ना सबका बड़ा बड़ा है तेरी फैंटेसी है ना ओ यस बेस्ट थिंग शो शुरू होते ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लड़ाई दिखती है एक तो आधे लोगों ने इनकी रियल आवाज कभी नहीं सुनी मैं सच बोल रहा हूँ 80% इन लोगों की तुमने कभी रियल आवाज सुनी नहीं होगी इवन दो चाहे तुम फैन हो और पहले से इन शो में क्या ओ माय गॉड लड़ाई दिखाओ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भाई पता ही लग रहा मैं तो यही कंफ्यूज हूँ कि भाई इसकी आवाज है इसी है अच्छा खेले तो मेरे को बोलती है इस बार तूने देखा ना सबका बड़ा बड़ा है तेरी फैंटेसी भाई ये क्या पोस्टर लगे हैं इनके ये किनके तीन पोस्टर हैं इनको तो बुलाया भी नहीं मुझे लगता है एक ही सेट पे दो शूट चल रहे होंगे तो ठीक है भाई बजट कंस्ट्रेंट आई कैन अंडरस्टैंड ये बोलने वाली बात है ओ भाई रुक 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 एक बारी डाइविंग तुम्हें दोबारा दिखा देता हूँ मैं 0.5 करके ये बोलने वाली बात है भाई क्या जंपती है ये बचपन में मॉम डैड बोल देते हैं कि हमारा बच्चा तो बड़ा होकर जी स्टार बनेगा ये कुछ ज्यादा ही सीधे से लेगी मतलब बहुत ही बड़ी स्टार है कि जंप भी पूल में ऐसे स्टार शेप में मैंने आज तक नहीं देखा पता कितनी चोट लगी होगी भाई ऐसे कौन जंप करता है भाई ओए सुनो हंसना नहीं किसी ने दिस इज द टैलेंट ऑफ MX टलाटक तो है यार गलत ओ भाई अगली लड़की भी वैसे जंप कर रही है भाई अबे ऐसे जंप होता है या तुम पूल में भाई यार भाई इनका सरा हुआ भाई ठीक है भाई ठीक है ऊपर से लड़ाई किस पे हो रही है बूबीज पे बेंच बूबीज पे लड़ाई भाई तूने बोला इतने बड़े बड़े तूने बोला इतने बड़े बड़े इतने बड़े बड़े की बात है फिर इस बात का कवर अप क्या हो रहा है कि नहीं मैं बड़े बड़े हाइट की बात कर रहा हूँ इतने बड़े बड़े की बात है हाइट बड़े बड़े यस सब यही बोलते हैं मेरा बहुत बड़े बड़े हाइट है मेरा ही बहुत बड़े हाइट है 5'9" बहुत बड़े बड़े हाइट होता है बहुत बड़े बड़े क्या ये बेंच ऐसे करोगे भाई बिग बॉस को वन अप मतलब बूबीज की बातें करके है ठीक है भाई सी नाउ आई नो व्हाई मेरी वीडियोस में गंदी बात की ऐड चलती है पर मैं भी क्या करूं मेरा भी क्या कसूर है अब भाई यार ठीक है ऊपर से जो लड़का हटा रहा है उसकी भी हंसी निकल रही है कि भाई बस करो यार बहुत एक्टिंग कर ली यार आज के लिए बहुत हो गया हो भाई देखियो इसे पैंचो टच भी नहीं किया गिर गया ये सॉरी हे हाय मेरा नाम है तारिक मैं क्रिएटिव फोटोग्राफी करता हूँ मैंने इतने बड़े बड़े सेलेब लोगों के साथ शूट किया मैंने दीपिका के साथ शूट किया उसमें मैंने अपना फेस तक नहीं दिखाया वीडियो में मैं चाहता हूँ मेरे कंटेंट से लोग मुझे पहचाने ना कि मेरे फेस से हाँ तो भाई तू शो पे आया क्यों ये बंदा आना ही नहीं चाहता था तो इसे लाई क्यों इसे सीजन शूट करवा लेते वैसे भी 30 सेकंड में खत्म हो जाता बेचारे का टैलेंट भी दिख जाता हमें लाई क्यों वो चाहता ही नहीं जब शक्ल दिखे भाई मैं हूँ सृष्टि मैं हूँ प्रकृति और हम दिल्ली से हैं भाई एक मुझे समझ नहीं आता ये जुड़वा लोग टिकटॉक पे सेम कपड़े क्यों डालते हैं ये टर्म्स एंड पॉलिसी में है कि आपको सेम ही कपड़े डालने पड़ेंगे आप तो जुड़वा हो जी आप डाल ही नहीं सकते कुछ अलग आपकी पर्सनैलिटी हो नहीं सकती अलग
ठीक है भाई यार, मुझे देखो बहुत कैंसर हो गया, बस यार बस ठीक है, ये शो बस करो। आई वुड से प्लीज डोंट गो आउट एंड हेट एनीबॉडी। हेट अच्छा इमोशन नहीं है भाई, बहुत शैलो बना देता है, मैं सच बोल रहा हूँ। वो शायद टीन एज में लगता होगा कि भाई हेट करेंगे अच्छा लगता है, किसी को नीचा दिखा के बहुत शैलो बनाता है मत। ऊपर से मैंने देखा था इनमें से कोई बंदी है जिसने दो बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ, उनकी एजुकेशन करवाते हैं। एंड आई हैव अडॉप्टेड टू चिल्ड्रन फॉर देयर लाइफ टाइम एजुकेशन। जी बुरे लोग नहीं है, प्लीज डोंट हेट एनीबॉडी, ठीक है। इंस्टेड ऑफ हेटिंग प्रेस द बेल आइकॉन ऑन दिस चैनल। यस And I'll see you in the next one.